नमस्कार दोस्तों, जितना हम सब लोग बॉलीवुड कलाकारों को पसंद करते हैं, उतना ही साउथ के कलाकारों को देखना भी पसंद करते हैं। साउथ इंडिया की सुपरस्टार एक्ट्रेस समांथा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन एक्ट्रेस अपने नए फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए शेयर करती रहती। समांथा रुथ प्रभु का जन्म 28 अप्रैल 1987 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ। एक्ट्रेस साउथ फिल्म के जरिए अपनी अच्छी पहचान बना चुकी हैं। उनकी फिल्मों के कारण ही उन्हें साउथ के साथ साथ देश भर में लोग पसंद करते हैं और उन्हें काफी प्यार भी करते हैं। हालांकि दोस्तों, एक्ट्रेस का ये सफर इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत तंगी देखी है और दोस्तों, इसी तंगी ने आज समांथा को इतना बड़ा स्टार बना दिया। आपको बता दें कि समांथा रुथ प्रभु ने पैसों की परेशानी के कारण एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, क्योंकि शुरुआत समय में समांथा के घर के हालात काफी खराब थे। इस कारण समांथा ने मॉडलिंग करना शुरू किया था। समांथा मॉडलिंग के साथ साथ समांथा ने पार्ट टाइम जॉब किया, जिससे उन्होंने अपने घर का खर्च चलाया। समांथा को पार्ट टाइम जॉब के बाद माया चश्मे फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता। समांथा रुथ प्रभु इंडियन सिनेमा की सुपरस्टार होने के साथ साथ समांथा एक नेक काम भी करती है। दरअसल वे एक एनजीओ चलाती हैं, जिसका नाम है प्रत्युषा सपोर्ट। यह एनजीओ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही इस एनजीओ के द्वारा महिलाओं और बच्चों के इलाज में भी मदद मुहैया कराई जाती है। दोस्तों, समांथा रुथ प्रभु को प्यार से सभी सैम कहकर भी बुलाते हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि समांथा का दूसरा नाम यशोदा भी है। एक्टर नागा चैतन्य से पहले समांथा ने एक्टर सिद्धार्थ को डेट किया था। सिद्धार्थ समांथा को यशो कहकर बुलाया करते थे। समांथा को अपनी फिल्म के साथ ही उनके स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी जाना जाता है। वे हर मौके पर एक नए लिबास और एक नए रूप में नजर आती। समांथा के पहले पति का नाम नागा चैतन्य था, जिससे उनकी शादी 6 अक्टूबर 2017 को हुई थी, जिसके 4 साल बाद समांथा ने नागा चैतन्य को 2 अक्टूबर 2021 को तलाक भी दे दिया। एक्ट्रेस समांथा दक्षिण भारतीय सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक समांथा एक फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है। सालाना 3 करोड़ रुपए की कमाई कर लेने वाली समांथा ने पुष्पा में 3 मिनट के गाने के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इसके अलावा समांथा ब्रांड एंडोर्स और मॉडलिंग से भी की मोटी कमाई कर लेती हैं। समांथा रुथ हाल ही में फिल्म पुष्पा में नजर आई थी। समांथा दक्षिण भारतीय फिल्मों के अलावा अब तक वह 65 फिल्मों में काम कर चुकी है। समांथा की कुल संपत्ति $11 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए है। समांथा फैशन लेवल साकी की मालकिन। समांथा के पास BMW 3 सीरीज, BMW X5 और Jaguar XFR है, की कीमत करोड़ों में है। अभिनेत्री समांथा का हैदराबाद के जुबली हिल्स में अन्नपूर्णा स्टूडियो में लग्जरी डिजाइनर घर है, जिसके अलावा समांथा के देश भर में कई रियल स्टेट प्रॉपर्टी भी हैं। 2013 में तेलुगु और तमिल दोनों इंडस्ट्री में समांथा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। रेवती के बाद वह यह अवार्ड पाने वाली दूसरी अभिनेत्री है। दोस्तों, समांथा के पिता का नाम जोजेफ प्रभु और इनकी माता का नाम निनेती है। इनकी कोई बहन नहीं है। इनके 2 भाई हैं, एक का नाम जोनाथन और दूसरे का नाम डेविड है। समांथा रुथ प्रभु ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।